वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर वन क्लास 12 की पैकेजिंग करने पैकेजिंग का टॉपिक करने जा रहे हैं, जो बहुत ही मेन टॉपिक है और इससे आईआईटी जेई में भी बहुत क्वेश्चन एज वेल एज 12th के सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत सारे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैकेजिंग क्या होती है। पैकेजिंग कैन बी डन थ्री वेज, किसमें, थ्री वेज में, आइदर इन वन डायमेंशन, इन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में। देखिए हमने क्या करना है, वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ कि हमने क्या करने हैं, एप्पल्स को पैक करना है। एप्पल्स को पैक करना है, ऐसे पैक करना है कि उनके बीच में स्पेस कम रहे, उनके बीच में स्पेस कम रहे। तो ये हम पैकेजिंग करेंगे इन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। बहुत ही ईजी वे से हम इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले क्लॉथ पैकिंग इन वन डायमेंशनल, देखिए क्या हो रही है, क्लॉथ पैकिंग हो रही है इन वन डायमेंशन। मतलब क्लॉथ पैकिंग इन द सेंस देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्पीयर्स इन वन डायमेंशनल क्लॉथ पैकिंग स्ट्रक्चर दैट टू अरेंज। देखिए वन डायमेंशनल में तो ऐसे ही कर सकते हैं ना, सिर्फ इधर भी इंक्रीज होते जाएंगे और इधर भी इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दैट इज टू अरेंज देम इन अ रो एंड टचिंग ईच अदर, कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पीयर इज इन कॉन्टेक्ट विद टू ऑफ इट्स नेबर्स। क्या है, देखिए जैसे अगर हम ये स्पीयर ले रहे हैं तो ये क्या है, इससे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है एज वेल एज इसके भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। तो ईच स्पीयर इज कॉन्टेक्ट विद टू नेबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए जो एक स्पीयर जितने से भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है उसको क्या कहेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अगर एक स्पीयर जितने से भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है उनको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहें तो क्या होगा, ये वन इधर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है और इधर से, तो क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया टू। मतलब क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टू, यही ज्यादा मेन था। आगे हम करेंगे टू डायमेंशनल पैकिंग। When the rows are combined touching each other, the crystal plane is obtained. The rows can be combined in two different ways. When the particles were placed in the adjacent rows should show horizontal as well as vertical alignment and form squares. Wait for a while. देखिए सिर्फ इस पिक्चर से हम समझ लेंगे, वो थ्योरी लिखी है, अगर आपको ये थ्योरी क्या करेगी, बोर्ड में हेल्प करेगी, लेकिन हम क्या करें हैं, फास्ट रिविजन कर रहे हैं, तो हम आपको ऐसे ही समझा देंगे। जैसे हमने ये क्या करा, टू डायमेंशनल करा, मतलब इसके पीछे भी एक रो जाएगी, ठीक है, और इसके आगे भी होगी, इसके नीचे भी होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू डायमेंशनल में दो करेंगे, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, वही करेंगे। एक हम करेंगे ये देखिए स्क्वेयर क्लॉथ पैकिंग, इसमें स्क्वेयर होगी वो 3D में क्यूबिक होगी, इसमें स्क्वेयर क्लॉथ पैकिंग और एक हेक्सागनल क्लॉथ पैकिंग करेंगे, देख लेते हैं हम, हमें समझ आना चाहिए, उसके बाद थ्योरी तो हम खुद ही बना लेंगे। देखिए इसमें क्या है, देखिए जो इसकी जो पैटर्न होता है कैसा होता है, ए ए ए, मतलब इसमें जो स्पीयर्स है हमने कैसे अरेंज करने हैं, ओवर एंड ओवर एक के ऊपर एक करे गए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इन द The layer second placed in the depression, मतलब उसके स्पीयर किसमें गए गए हैं, ए के डिप्रेशन में रखे गए हैं। देखिए ए के ऐसे रख दिया, इसके ऊपर डायरेक्ट ऐसे रख दिया, दूसरा फिर थर्ड लेयर भी इसके ऊपर सेम, फोर्थ लेयर भी इसके ऊपर सेम, लेकिन इसमें क्या करा, जो लेयर है और उससे अगली लेयर को एक दूसरे के डिप्रेशन में रखना है। तो यहाँ पर अगर हम इसके सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, स्क्वेयर मिल रहा है, स्क्वेयर मिल रहा है ना, टू डायमेंशनल स्क्वेयर होगा, थ्री डायमेंशनल में चल जाएंगे तो क्यूबिक हो जाएगा। तो हमें क्या पता है, हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये बीच वाले को देखो कितना से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, वन टू थ्री फोर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया फोर। इसका निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये हो गया ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये क्या है, सिक्स से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो गया। तो यही बताई गई है कि ए बी ए बी टाइप में बनाता है और ये ए ए ए ए में बनाता है, ठीक है, यही मेन था ना, ठीक है, हमें ऐसे ही इसका समझ आ गया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा और इसका फोर, स्क्वेयर क्लॉथ पैकिंग इन टू डायमेंशनल का फोर होगा और हेक्सागनल क्लॉथ पैकिंग का सिक्स होगा, ठीक है।
आगे हम चलते हैं, थ्री डायमेंशनल में पैकिंग कैसे होगी। थ्री डायमेंशनल में आपको बताया था ना, अब जो यहाँ स्क्वेयर है ना, थ्री डायमेंशनल में क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, जब देखते हैं हम, ये देखिए, थ्री डायमेंशनल क्लोज स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड प्लेसिंग एनोड। देखिए यहाँ पर क्या बन रही है, थ्री डायमेंशनल आपको बताई गई है। देखिए, वेट फॉर अ वाइल, देखिए, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फॉर्म टू डायमेंशनल स्क्वेयर क्लोज पैकिंग व्हाइल प्लेसिंग द सेकंड स्क्वेयर क्लोज पैकिंग लेयर अबव द फर्स्ट, वी फॉलो द सेम रूल एज फॉलो। देखिए यहाँ पर जो ये बताई गई है ना, ये हेक्सागनल हम आगे करेंगे, ये सबसे पहले पिक्चर किसकी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ देखिए क्यूब बन रहा है ना, ये और ये, और इसके पीछे भी एक, तो क्यूबिक है ना, तो ये क्या होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएंगे। आगे हम देखते हैं, अब हमने क्या करने हैं, हेक्सागनल की क्लोज पैकिंग को देखना है। किसकी देखना है, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग को देखना है। हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग को देखने से पहले हम इसकी एक बारी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो बहुत मेन है। जैसे द सेकेंड लेयर इज प्लेस ओवर द फर्स्ट लेयर इन सच दैट द स्पीयर्स ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ फर्स्ट लेयर। इन दिस अरेंजमेंट स्पीयर्स ऑफ बोथ द फर्स्ट लेयर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ऊपर से गई होगी, ठीक है, हम समझते हैं। देखिए यहां पर बताया गया है, इस अगली में आएगा, यहां से आपको आएगा। देखिए हमने क्या करा, हम सबसे पहले हेक्सागनल की करते हैं। देखिए ये आपने करा था ना, हेक्सागनल में क्या होता है, एक लेयर होती है, फिर दूसरी लेयर को उसके डिप्रेशन में रखा जाता है, दूसरी लेयर को उसके डिप्रेशन में। फिर क्या होता है, जो थर्ड लेयर होती है उसको उसके डिप्रेशन में, ठीक है ना, और फिर आगे बनाएंगे तो उसको इसके डिप्रेशन में बनाएंगे। ऐसे ही बनाएंगे ना हेक्सागनल की, तो हम ये हेक्सागनल की है, और ये क्या है, ये है क्यूबिक की, ये क्यूबिक की बताई गई है, और ये किसके बनाई बताई गई है, हेक्सागनल की। व्हेनेवर द स्पीयर्स ऑफ द सेकंड लेयर इज अबव द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर और वाइस वर्सा, टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ नहीं है, टेट्राहेड्रल वॉइड वो वॉइड्स हैं जो दो क्या करते हैं, वो जैसे ये स्पीयर्स के बीच में बनते हैं ना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है, ये हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और कुछ नहीं है, ये हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और इनके ऊपर एक डॉटेड होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, हम यहां समझ सकते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसके बेस पर आज तक थ्योरी में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सिंपल आता है। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या कहलाते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म बाय द सेंटर ऑफ फोर स्पीयर, जो चार स्पीयर से बनाए गए वो टेट्राहेड्रल, जो छह स्पीयर से बनाए गए वो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और टेट्राहेड्रल होते हैं, देखिए यही मेन था इसमें, यही मेन था, यही आपने करना है। द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्पीयर्स बी एन, अगर एन स्पीयर्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेटेड होंगे एन, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड इज इक्वल टू टू एन। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने जनरेट होंगे, टू एन होंगे। अगर कुछ n नंबर ऑफ स्फीयर हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होंगे और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट कितने होंगे, 2n। इसी में से आज तक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में, ये बस। और सारी थ्योरी है जो आपको समझाने के लिए लिखी गई है, आप इसको नोट कर सकते हैं थ्योरी को, ठीक है। देखिए अब हमने क्या करना है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या करना है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है, जो चार स्पीयर से देख के बने। अब ये देखो यहाँ पर दिखाए गए हैं, तीन ऐसे और एक ये बना, ये चार स्पीयर है ना, तीन नीचे रखे और एक उसके ऊपर रख दिया और टेट्राहेड्रल वॉइड बना दिया। लेकिन अब देखो तीन स्पीयर ऐसे रखे, ये देखे दिख रहे हैं, ये एक, देखिए हम मार्क करते हैं इनको, हमने क्या करी, ये स्पीयर देख लो, ये स्पीयर देख लो और ये स्पीयर देखो, ठीक है, और इसके ऊपर एक ये स्पीयर रखा गया, ये स्पीयर रखा गया और ये स्पीयर, तो अब ये क्या बना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया, ये क्या बना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, ये हमारा
ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, जो छह स्पीयर से बने वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो चार स्पीयर सॉरी जो छह स्पीयर से बने वो ऑक्टाहेड्रल, और जो चार से बने वो टेट्राहेड्रल। यही था मेन जो आपको पिक्चर जो एनसीईआरटी में भी हमारे को गिवन है। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये क्या बना, तीन स्पीयर और इसके ऊपर एक स्पीयर रख देने, ये क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर तीन एक स्पीयर हमने ऐसे लिए और उसके ऊपर उल्टे रख दिए तो ये क्या बन जाएगा, ये अंदर का ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इन बोथ एचसीपी सीसीपी मेथड स्ट्राइकिंग अ स्पीयर इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ सिक्स अदर स्पीयर इन ऑन इनडायरेक्टली टच थ्री स्पीयर इन अबव लेयर इन द लेयर बिलो दस द स्पीयर हैज 12 क्लोजेंट। मतलब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 12। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन पैकिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इन सीसीपी और एचसीपी ईच स्पीयर हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ये भी बहुत बारी पूछा गया है, इनका कोऑर्डिनेशन एचसीपी और सीसीपी का क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, आगे हम करेंगे प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। ये भी हेक्सागनल की है, सिर्फ इसकी थ्योरी याद कर लीजिए। हमने क्या करना है, देखिए एक लेयर बनाई हेक्सागनल की, ठीक है, उसके ऊपर बी लेयर करी, फिर एक हेक्सागनल की लेयर और फिर बी लेयर हमने करी। देखिए तो एक कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, ए बी पैटर्न फॉलो होगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। दिस सॉर्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम इज फाउंड इन मैनी मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। ये भी आपको बहुत मेन है कि मैग्नीशियम और जिंक में मिलता है। अगला है ओनली कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हमने क्या करने हैं, ठीक है, हमने आगे क्या करना है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये जो वॉइड्स का कंसेप्ट है इसमें सिर्फ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ही मेन है, और उनके बेस पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारे सिलेबस में जैसे हमारे पास है ट्रायंगुलर वॉइड और क्यूबिक स्क्वायर वॉइड, वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे ही इसकी थ्योरी भी सिर्फ आपको लर्न ही करनी है, और इसमें कुछ नहीं है कि हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जो हमने प्रीवियस करा है ना, ये देखिए जो हमने प्रीवियस करा है यही इसको डिटेल में बताया गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर हमने क्या करा है, प्लेस करा है। ये देखिए ये बताया गया, यही बताया होगा। ठीक है, तो हम इसमें टाइम वेस्ट ना करके हम आगे चलते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट है, इसकी डेरिवेशन आपको लिख दी गई है। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल स्पीयर्स इन अ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड आर बी द रेडियस ऑफ द स्पीयर एज स्पीयर आर टचिंग ईच अदर। देखिए हमने यहाँ पर स्पीयर बनाया है, तो ए क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ए इक्वल टू 2r। नंबर ऑफ स्पीयर्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 × 8, ये हमने करा था, सारे कॉर्नर्स पर है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होती है, 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, ए क्यूब इक्वल टू 2r³ = 8r³। फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड 1/3 πr³ अपॉन में, देखिए यहाँ पर ना ए क्यूब को आर की टर्म्स में लिख दिया है, ए क्या है, 2r है, तो ए को आर की फॉर्म में लिख दिया और इसकी वैल्यू पुट कर दिया ए की। तो हमारे को सिंपल याद रखना है 52.4% सिंपल यूनिट सेल में ऑक्यूपाइड होती है, 52.4% कितनी होती है, 52.4%, यही मेन है, यही क्या है, मेन है, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे बॉडी सेंटर में कितनी होती है, इसके बाद अगर आपने ये डेरिवेशन लिखनी है तो लिख लीजिए, वैसे बहुत जगह अवेलेबल भी है। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना कर बॉडी सेंटर फटाफट हम समझते हैं। हमने यहाँ क्या करा, तीन, देखिए यहाँ तीन ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो और इससे पीजीटी लगाएंगे यहाँ पर, इनके डायगोनल से पीजीटी लगाकर हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल हमें क्या याद करना है, इनका रिलेशन ए इक्वल टू 4r/√3, ए इक्वल टू 4r/√3। इसमें रिलेशन क्या था, ए इक्वल टू 2r, ए इक्वल टू 2r, ये था ना रिलेशन, इसमें ये है रिलेशन, ए इक्वल टू 2r और 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। अगली में हम क्या करेंगे, इसकी रिलेशन क्या होता है बीसीसी का, ए इक्वल टू 4r/√3, ए इक्वल टू 4r/√3। बीसीसी में नंबर ऑफ स्पीयर 2 होते हैं, आगे हम देखते हैं।
तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगी, 68%। पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 68%। बाकी डेरिवेशन हमने करी गई है, ए को आर की फॉर्म में लिखकर डेरिवेशन करिए कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद पैकिंग इन सीसीपी एंड एचसीपी, सीसीपी एंड एचसीपी, इसका हमने क्या करा, रिलेशन फाइंड करा, ए इक्वल टू क्यूबिक क्लॉस पैकिंग, क्यूबिक क्लॉस पैकिंग और हाई हेक्सागनल क्लॉस पैकिंग। देखिए इसका क्या होता है रिलेशन, ए इक्वल टू फोर अपॉन रूट टू आर, ए इक्वल टू फोर अपॉन रूट टू आर। कई बार हमें न्यूमेरिकल्स में ए गिवन होता है, आर फाइंड करना होता है, कई बार आर गिवन होता है तो एज लेंथ फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है आगे, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 74%, ये लिखते रहना, ठीक है। ये हमें ए इक्वल टू टू आर, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। इसका रिलेशन क्या था बीसीसी का, ए इक्वल टू फोर आर अपॉन में रूट थ्री और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी थी 68%। अगले में क्या कर रहा था, ए इक्वल टू फोर आर अपॉन में रूट टू आर, इसका रिलेशन है एज लेंथ और रेडियस का और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या थी 74%। कई बार हमसे पूछा भी जाता है कि विच इज बेस्ट, तो हमें पता है कि एचसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है तो हम इसको बेस्ट कहते हैं। अगला हमने क्या करना है, यूनिट सेल डायमेंशन। इसके बेस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक, ना जेई में पूछा गया है ना ज्यादा पूछा गया है, सिर्फ इसके फॉर्मूले, फॉर्मूला इज द वन ऑफ द मेन, इसका फॉर्मूला बहुत मेन है, जेड इंटू एम। देखिए हमने क्या याद रखना है, हमने एक हमारी होली रिवर होती है यमुना, हमारी होली रिवर होती है यमुना, तो हमने इसको क्या याद करना है, जमुना। कैसे याद करना है, जमुना, जेड एम एन, एन इज एवोगैड्रो नंबर और ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। मतलब हमें ए की जगह, हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम ए सीधा नहीं लिखेंगे, हम ए उल्टा लिख देंगे, तो वो बन जाएगा जेड क्रॉस एम ए क्यूब ओवर एन ए। हियर जेड इज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, एम इज द मास ऑफ सिंगल एटम एंड, और एन ए हमें पता है एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफेक्ट्स करेंगे, उसके बाद हम करेंगे डिफेक्ट्स और हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हम क्या करने जा रहे हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। देखिए डिफेक्ट्स क्या है, मैंने अपने चैनल पर पहले भी वीडियो डाली है डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम बाद में करेंगे, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट हम करते हैं पहले। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट को ही वैलेंसी डिफेक्ट कहा जाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। एक बार ये आपको ओवर भी बता देते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, एक केटायन अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल जगह पर जाकर बैठ जाता है। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड। देखिए कोई भी डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे कोई अरेंजमेंट होती है ना, उसमें कोई भी डेविएशन आना वो क्या बताती है, पॉइंट डिफेक्ट्स बताती है। वेयर एज लाइन डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल। अगर पूरी लाइन में कोई डिफेक्ट आ गया ना, पूरी की पूरी लाइन में, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरी की पूरी लाइन ही डिस्टर्ब्ड है, पूरी की पूरी, ये देखिए ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, कई पूरी की पूरी लाइन डिस्टर्ब है, यहाँ पर कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, तो ये क्या है, लाइन डिफेक्ट। और इन दोनों को मिलाकर क्या करते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट नहीं करना हमें ज्यादा, सिर्फ हमें पॉइंट डिफेक्ट्स करना। पॉइंट डिफेक्ट कितने होते हैं, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होते हैं, जो स्टोचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे हमने कहा कि हमारे पास फॉर्मूला था एक्स और वाई कंपाउंड है, एक्स सिक्स है वाई सिक्स है, तो एक हम करेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ, मतलब दो, एक कटायन गया और एक अनायन चला गया, एक कटायन और एक अनायन चला गया, तो क्या हुआ सीस, तो उसके क्या हो जाएंगे, इक्वल नंबर में कटोगे तो उसकी स्टोचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी, उसकी स्टोचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी क्या होती है, स्टोचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती, इनको स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं, इनको स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास सी सिक्स, जैसे हमारे पास क्या थे, एक्स था पहले कंपोनेंट, वो भी सिक्स था,
और वाई कंपोनेंट था वो भी 6 था। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ चले गए, मतलब एक कटायन एक अनायन चला गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएंगे, एक्स भी 5 हो जाएगा और वाई भी क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, स्टोचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते, स्टोचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं करते, और इनको ही वैलेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, देखिए ये क्या है, वैलेंसी डिफेक्ट है, ये कौन है, वैलेंसी डिफेक्ट हमारे शो करेगा जब एक कैटायन अपनी जगह छोड़कर चला जाए, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर इंटरस्टीशियल साइड लैटिस साइड। ठीक है, ये इंटरस्टीशियल डिफेक्ट है, इसमें क्या है, इंटरस्टीशियल साइड को ऑक्यूपाई करा है और इसमें क्या है, वो अपनी जगह छोड़कर चला गया। आगे हम करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, जो हमने आपको बता दिया कि डिफेक्ट शोन बाय आयनिक सॉलिड दैट स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन इट डिसलोकेटेड, ये क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ेगा और भाग जाएगा एकदम, कहाँ करेगा, कहीं भी चल, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस तो अब भी प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब इनका स्टोचियोमेट्रिक डिस्टर्ब नहीं होगी। इससे एग्जाम्पल AgCl, AgBr, AgL, ठीक है, और ZnS, और इसके एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, इसके एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं NaCl है एक तो, ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट के एग्जाम्पल NaCl, KCl, CaCl, AgBr। अब हमेशा पूछा गया है, इट मे बी नोटेड दैट AgBr शोज बोथ, ये बहुत बार पूछा भी गया, और इसकी कहते हैं कि AgBr क्या है, फ्रैंकल एज वेल शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों शो करता है। AgBr क्या करता है, फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों को शो करता है। शॉर्ट की डिफेक्ट में हमने कहा ना कि वो वैलेंस, देखिए ये गया, ये गया, ये गया, और ये इक्वल नंबर ऑफ मिसिंग है ना, तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट है। आगे हम जाते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बाद हमारा कुछ पार्ट रह जाएगा और बस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमारी फास्ट ट्रैक डिवीजन हो जाएगी। आपको डिटेल में समझने के लिए क्या करना है, इसको इन सारी को थ्योरीज को लर्न करना है, ठीक है। इन देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन मोल्टन NaCl कंटेनिंग लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 इज क्रिस्टलाइज, सम ऑफ द साइड Na पॉजिटिव एंड आयंस आर ऑक्यूपाइड बाय Sr2 पॉजिटिव, ईच Sr2 पॉजिटिव रिप्लेस टू Na पॉजिटिव आयन, इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ वन आयन एंड अदर साइट रिमेन वैकेंट। ये सिंपल कुछ नहीं है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया गया है, पूरे अच्छे से इम्प्योरिटी डिफेक्ट बताया गया है, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को बताया गया बहुत ही अच्छे से, तो हम इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट को स्किप कर सकते हैं, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आप चेक करिए, प्लेलिस्ट भी होगी तो आप उसमें चेक करिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट उसमें अच्छे से बताया गया है। उसके बाद नॉन स्टोचियोमेट्रिक भी डिफेक्ट भी बताया गया है, तो हम इनको स्किप कर सकते हैं, हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। नॉन स्टोचियोमेट्रिक जिनमें स्टोचियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, इनमें क्या होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं ड्यू टू एनायक वैलेंसी, इनमें क्या होता है आयनिक अल्काइल हैलाइड NaCl KCl शो दिस टाइप ऑफ, व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड इन एटमॉस्फेयर, जब NaCl के क्रिस्टल को हीट करा जाता है सोडियम वेपर, द सोडियम एटम आर डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ द क्रिस्टल, द Cl नेगेटिव आयन डिफ्यूज टू द सर्फेस ऑफ द क्रिस्टल एंड कंबाइन विद Na एटम्स टू गिव NaCl, दिस हैपन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम टू फॉर्म Na पॉजिटिव आयन, द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इन टू क्रिस्टल। इसमें क्या करते हैं, कहते हैं कि जब NaCl को जब हम हीट करते हैं एटमोसफेयर, तो उसके वेपर क्या कर देते हैं, ऊपर रह जाते हैं, और दिस हैपन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्यों होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम्स टू फॉर्म Na आयंस, और Na आयंस क्या बन जाते हैं, Na पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इन टू क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई आयनिक साइट। इसके बाद एफ सेंटर, एफ सेंटर कौन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप हो जाता है, दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl, द कलर क्यों NaCl इम्पार्ट करता है येलो कलर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर, द कलर रिजल्ट एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वही हमें पता है ना, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट आता है और वापस रेडिएशन करता है, तो वो कंट्रास्ट रेडिएशन, जो कलर रेडिएशन वेवलेंथ की वो एब्जॉर्ब करता है, उसकी कंट्रास्ट में वो रिलीज करता है। सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम मेक LiCl क्रिस्टल पिंक एंड एक्सेस ऑफ पोटेशियम मेक KCl क्रिस्टल वायलेट और लिले, ये आपको सिंपल बताया गया कि लिथियम कौन सा बताता है, क्रिस्टल पिंक, एक्सेस ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम क्रिस्टल वायलेट बनाता है, ठीक है। उसके बाद मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, ये मेन नहीं है, ये सिर्फ जिंक का एग्जांपल, जिंक में क्या होता है वन, इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन आयन के प्रेजेंट में करेगा, तो इनका फॉर्मूला क्या करेगा,
Now in excess of zinc crystal, its formula becomes Z and 1 plus X, or in excess Z, two positive ions move to inter, इसमें क्या करेंगे, Z two positive ions क्या कर जाएंगे, interstitial site पर आ जाएंगे, and electron to the neighbor, और electron add हो जाएंगे neighboring to maintain their electrical neutrality. उसके बाद metal deficient defect है, there are many solid which difficult to prepare in stoichiometric composition and contain less amount of metal as compared to stoichiometric proportion. A typical example कैसा है, FeO which is mostly found in composition of Fe 0.9. ये क्या, देखिए इसका example ही main है कि Fe 0.950 के क्यों 0.950 में found होता है, क्यों, क्योंकि इसमें Fe 2 positive नहीं होता, इसमें क्या होती है कोई Fe 3 positive भी होता है और Fe 2 positive. अब Fe 2 positive 3 चल जाते हैं और Fe 3 positive उसमें आ जाते हैं. ये हमने previous video में कर दिया, तो हम इसमें ज़्यादा उसके बारे में discussion नहीं करेंगे. ठीक है, आगे हमने electrical properties करी. हमें पता है conductor कौन होते हैं. The solid which conductivity ranges between 1.0 to 107 ohm meter inverse are called conductor. Metals have conductivity in the order of 107 आर गुड कंडक्टर. यही बताएगा कंडक्टर जिनकी, जैसे कंडक्टर कौन होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इंसुलेट या वो कंडक्ट नहीं करते, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते. और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है. उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडक्टर्स ऑफ of electricity in metal. देखिए, metal conducts electricity in solid as well as in molten state. The conductivity of metal depend upon the number of valence electron available per atom. The atomic orbitals of metal atoms from molecular orbits which are so close in energy to each other as to form a band. देखिए, band theory भी आगे आएगी शायद. Band theory पर ज़्यादा question नहीं बने. देखिए, band theory में क्या होता है, एक वैलेंस क्या होता है कि उसमें जो फॉरबाइडन स्पेस होता है उसमें कम होता है कंडक्टर में, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फॉरबाइडन स्पेस मिनिमम या होता है कंडक्टर से कम इंसुलेटर से ज्यादा. इन दिस बैंड इज पार्शली फिल्ड और ओवरलैप्स विद हायर. क्या होता है इसमें बैंड क्या कर देते हैं, कंडक्टर्स में बैंड ओवरलैप होते हैं, मतलब उनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं आसानी से, तो उनकी क्या होती है, फॉरबाइडन स्पेस बहुत ही कम होता है. इफ द गैप बिटवीन फील्ड वैलेंस बैंड इन द नेक्स्ट हायर ऑक्यूपाइड, कंडक्शन बैंड कहते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो एम्प्टी होता है, और वैलेंस बैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कंडक्टिविटीज बताए, डोपिंग भी हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से करा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज जो हमने करा था ये आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है. हम चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करें. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज भी हमने कर लिया था. इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज में क्या था, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ग्रुप 14 के पीरियोडिक टेबल एंड फोर वैलेंस इलेक्ट, जिनके फोर वैलेंस ग्रुप 14 में क्या होते हैं, फोर वैलेंस. इन दिस क्रिस्टल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विद नेबर व्हेन डोप्ड विद ग्रुप 15. इसमें ग्रुप 15 को यूज किया जाता है. ठीक है, और इसमें था, और इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, इसमें क्या था, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को यूज करा जा सकता है, आगे आएगा. और जब ग्रुप 13 जैसे बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम विच कंटेन ऑन थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं. देखिए एन टाइप क्या करा गया है, पी टाइप किसको कहते हैं, जब ग्रुप 13 को यूज करा गया ना तो पी टाइप कहते हैं, और ग्रुप जब 15 को यूज करा जाए तो क्या कहते हैं, एन टाइप कहते हैं. ठीक है, उसके बाद पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर वो हमने आपको बता दिए. जब ग्रुप क्या करा जाए, यहाँ पर बताया ग्रुप 13 में है कौन, बोरॉन एल्युमिनियम, जब ग्रुप 13 को यूज करा जाए सेमीकंडक्टर में तो उसको पी टाइप, और जब ग्रुप 15 को तो एन टाइप. आगे है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एवरी सब्सटेंस हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट, द ओरिजिन ऑफ सम. देखिए इसको हम क्या करेंगे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं जिनके बोथ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, या उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर, जिनके सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर.
ठीक है, यहाँ पर बताया पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली, इनको आप वीकली अट्रैक्टेड बाय किससे होते हैं, मैग्नेट फील्ड, दे आर मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक इन द सेम डायरेक्शन, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिज्म क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये किससे अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ओ टू सी यू टू पॉजिटिव, एफ ई टू, एफ ई थ्री पॉजिटिव आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड, और ये वीकली रिपेल्ड होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, एच टू ओ, एन ए सी एल एंड सी सिक्स एच थ्री आर सब एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए। और आपको सिंपल क्या याद करना है कि डायमैग्नेटिक जिनके होल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड, पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं जिनके वन इलेक्ट्रॉन, कोई भी वन इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड हो तो वो कौन से कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं जिनकी डायरेक्शन ऑफ डोमेन और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे ना फेरोमैग्नेटिक क्या करेंगे, उनके पास तब भी मैग्नेटिज्म रहेगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, क्या होता है उनके पास कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता, जैसे डोमेन क्या होती है अगर उनकी ऊपर जा रही है और उनकी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी तो वो कैंसल हो जाएगी। देखिए ये, देखिए ये क्या है पैरामैग्नेटिक। और फेरी मैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरी मैग्नेटिक होते हैं जिनकी डोमेन अपोजिट होती है बट स्टिल शो, क्या वो शो करते हैं, मैग्नेटिज्म को शो करते हैं। यहीं तक हमारा चैप्टर था जिसके मेन पर हमारे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और ये हमारी फास्ट ट्रैक की रिवीजन थी। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।